हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुमन ढाका चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं देसी स्टाइल की कढ़ी। तो देसी स्टाइल में जो कढ़ी बनती है वो कैसे बनती है वो मैं वीडियो में आपको आज बताऊंगी और किन किन सामान की ज़रूरत पड़ती है। वैसे फ्रेंड्स, से कढ़ी तो बहुत ही तरीके से बनती है, अलग अलग तरीके से सब अपने अपने तरीके से बनाते हैं, बट आज जो मैं कढ़ी आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो हमारी दादी नानी गाँव में कैसे बनाती थी वो वाली कढ़ी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। फ्रेंड्स, ये खाने में बहुत टेस्टी होती है और इसमें ऑयल तो बिल्कुल नहीं लगता है, और तो ये बहुत ही खाने में टेस्टी भी होती है और हेल्दी भी होती है और सबको बहुत ही पसंद आती है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो में बताती हूँ किन किन सामान की जरूरत पड़ेगी और कैसे बनेगी। सबसे पहले हमें फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने दही लिया है और ये मैंने बेसन लिया है, मेथी दाना है, कुछ मसाले हैं और स्प्रिंग ऑनियन है, हरी मिर्च हैं और लहसुन है, और ये लहसुन मैंने कूट के ले लिया है। और अभी जो हमने दही लिया था उस दही को हम ऐसे फेंटते हुए इसकी अच्छी सी छाछ बना लेंगे। तो मैंने दही को फेंट लिया और उसमें मैंने एक गिलास पानी डाल दिया और इसको हम फिर से अच्छे से मिलाते हुए और अच्छा सा अच्छी सी छाछ बना लेंगे ताकि बिल्कुल लिक्विड हो और उसमें कुछ भी ना हो। तो देखिए मैंने छाछ बना लिया है। अभी हमें क्या करना है, जो हमने मसाले और जो बेसन लिया था उसको हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले मैंने जो बेसन लिया था, मैंने मेजरमेंट से बेसन लिया था 2 चम्मच, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और अभी मैं इसके अंदर मसाले भी ऐड कर देती हूँ। तो मसाले में मैंने सबसे पहले लाल मिर्च पाउडर लिया है और धनिया पाउडर लिया है, और फ्रेंड्स अभी मैं इसमें हल्दी पाउडर डाल देती हूँ। तो हल्दी, ये नॉर्मल से मसाले जो हैं वो ही मैं कढ़ी में यूज़ करती हूँ, और ये जो देसी स्टाइल की कढ़ी है इसमें तो सिर्फ ये ही यूज़ करते हैं। और ये जो मैंने लहसुन का दरदरा पेस्ट बना लिया था उसको मैं इसके अंदर पानी के साथ इसमें डाल दूँगी। और फ्रेंड्स, नमक मैं अभी नहीं डालूँगी क्योंकि इसको हमें बॉयल करना है, तो नमक मैं बाद में डालूँगी। अगर आपकी कढ़ी आपसे फटती नहीं है तो आप नमक पहले भी डाल सकते हैं, बट मैं बाद में डाल के बताऊँगी आज आपको, मैं पहले ही डाल देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने कढ़ाई रखी है गैस पर और कढ़ाई गर्म हो गई है, और इसके मैं हमने जो घोल बनाया था कढ़ी का वो मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। तो कढ़ी का घोल मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और फ्रेंड्स, से एक बात का ध्यान रखना है, कढ़ी जब भी बनाओ तो गैस की जो फ्लेम होती है वो स्लो टू मीडियम ही रहनी चाहिए, और कढ़ी को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। जब तक कढ़ी हमारी पक नहीं जाती, कंटिन्यू मैं इसको चलाते हुए पका लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो हरी मिर्च ली थी उसको मैंने काट लिया था लंबे लंबे पीसेस में इसको, और ये जो हमने लहसुन की 2 कलियाँ छोड़ी थी इसको हम छोटे छोटे पीसेस में कट करके और इसको छोंक के लिए मैं साइड में रख देती हूँ काट के। तो ये देखिए मैंने लहसुन को भी छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, और हरी मिर्च और लहसुन को मैं साइड में रख देती हूँ डाल के। और हमने जो स्प्रिंग ऑनियन लिए थे उनको हमें क्या करना है, काट काट लेना है। और इस जो हरी मिर्च और लहसुन है वो तो मैं छोंक में डालूंगी, और ये जो स्प्रिंग ऑनियन है इनको मैंने अच्छे से धोया था और धो के और उसके बाद में मैंने साफ़ करके इनके साथ ले लिया है। तो इसमें जो बड़े प्याज हो रखे हैं उनको मैं साइड में रख दूंगी, और जो इसके जो ये आल हैं उनको मैं काट लूँगी। तो देखिए मैंने कट कर लिए हैं, और ये जो मैंने प्याज वाले जो पार्ट साइड में छोड़े थे इनको भी मैं छोटे छोटे पीसेज में कट कर लूँगी, और इसके जो आगे का जो प्याज है उसको भी मैं ऐसे करते हुए जितना मैंने पार्ट इसमें काटा है उतना ही हम इसके छोटे पीसेज कर लेंगे। तो सबको हम इक्वल काट लेंगे। तो ये देखिए मैंने 2 पार्ट कर लिए हैं। 2 पार्ट करने के बाद में इसके अगेन मैं 2 पार्ट और कर देती हूँ। तो देखिए बराबर बराबर कट गए ना सारे। तो ऐसे करके आप इसको काट लीजिए। ये प्याज ऐसे काटने से बड़ा आसानी से कट जाता है, नहीं तो बिल्कुल नहीं कटता है। तो देखिए फ्रेंड्स, सारे मैंने प्याज को मैंने कट कर लिए हैं अच्छे से। अभी हमें क्या करना है, इनको मैं कढ़ी के अंदर ऐड कर दूंगी, जो कढ़ी हम बॉईल कर रहे हैं, और इस कढ़ी को मैं बीच बीच में चलाते हुए इसको बना रही हूँ। तो ये देखिए मैंने प्याज को इसके अंदर बॉईल कर दिया है, और ध्यान रखिए कि गैस की जो फ्लेम है वो स्लो टू मीडियम ही होनी चाहिए। तो इसको हम ऐसे बीच में हिलाते रहेंगे, और इधर हम छोंक तैयार कर लेंगे क्योंकि कढ़ी को पकने में टाइम लगता है, इसलिए छोंक तैयार कर लेते हैं। ये मैंने कढ़ाई ली है, कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है, और तेल हमारा गर्म हो चुका है। इसके अंदर मैंने डाल दिए जो हरी मिर्च और लहसुन लिया था उसको, और उसको भी हम धीरे धीरे आंच पे अच्छे से पका लेंगे। और देखिए इधर हमारी कढ़ी जो उसमें बॉईल आ रहा है, तो हम इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं बीच में। और इधर हमारा तड़का भी तैयार हो रहा है, उधर कढ़ी भी तैयार हो रही है। तो देखिए इधर ही जो तड़का हो रहा है उस तड़के को भी हम अच्छे से हिलाते हुए जो मिर्ची है उसको अच्छे से चारों ओर से फ्राई हो जाए और लहसुन भी गोल्डन ब्राउन हो जाए, हम इसको हिलाते रहेंगे। और कढ़ी जो है हमारी वो भी देखिए उसमें बॉयल आ रहा है और पकने लग गई है। अभी हम इसके अंदर नमक ऐड कर देते हैं। तो मैंने नमक ऐड कर दिया, और ऐड करने के बाद में मैं इसको कंटिन्यू हिलाते हुए चला दूँगी, और इसको छोड़ूंगी नहीं बिल्कुल भी बीच में।
तो ये देखिए, इधर हमारी कढ़ी पक रही है और छोंक भी ऑलमोस्ट हमारा बन के हरी मिर्च पक के तैयार हो गई हैं। और मैंने जो सूखा मेथी दाना लिया था उसको भी मैं इसके अंदर पका लूँगी, क्योंकि जीरे के साथ में नहीं पकेगा ये, तो इसको हम पहले ही पका लेंगे इसके छोंक के साथ ही, हरी मिर्च के साथ ही, क्योंकि मेथी दाना को पकने में टाइम लगता है। तो ये देखिए, मेथी दाना, हरी मिर्च और लहसुन को मैंने इसके अंदर पका लिया है, और लहसुन और हमारी हरी मिर्च जो है वो तो गोल्डन ब्राउन हो गई हैं। तो ये देखिए, मेरा तड़का जो है वो तैयार हो गया है। मैं इसको हरी जो कढ़ी है उसमें डाल देती हूँ। तो मैंने देखिए, कढ़ी में मैंने ऐड कर दिया है, कढ़ी भी हमारी ऑलमोस्ट आधी अधूरी बन के तैयार हो गई, पूरी तो नहीं बनी है। और छोंक मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया ताकि छोंक की भी अच्छी सी खुशबू इसके अंदर मिक्स हो जाए, और ये जैसे जैसे पकेगी धीरे धीरे, और जो हरी मिर्च और मेथी और मेथी दाना लहसुन का जो खुशबू है वो बहुत ही अच्छा फ्लेवर इसके अंदर देगी। तो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया और इसको मैं हिलाती रहूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, सीम आँच पे ये पक पक के देखिए चारों ओर से पक पक के पूरी नीचे आ गई है। तो ये देखिए, ऐसे जो कढ़ी पकती है इसको मैं उतारूंगी नहीं, चारों ओर से जो पकती है वो खाने में बहुत टेस्टी होती है। तो फ्रेंड्स चलिए, मैं कढ़ी बन के तैयार हो गई है, तो मैं इसको एक बाउल में सर्व कर लेती हूँ। तो बाउल में मैंने सर्व कर लिया है, क्योंकि हमें इसमें स्मोकी छोंक देना है। तो अगर आपके पास कोई कोल है तो आप कोल को गर्म करके उसकी आग बना के उससे भी दे सकते हैं स्मोकी, बट कोल हमारे घर में मिलना पॉसिबल नहीं है इजीली। तो इसलिए हमें क्या करना है, एक चमचे में घी डालना है 1 चम्मच, और उसको हमें गैस पर रख के और अच्छे से गर्म करना है। जब तक हमारा घी इस चमचे में गर्म हो जाएगा, चमचा भी अच्छा भला गर्म हो जाएगा, तो जैसे जैसे जो हमारा गर्म हो रहा है घी, उसके अंदर हमें क्या करना है, हमने जीरा लिया था ना, वो जीरा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, और इसको जो गैस की फ्लेम है उसके ऊपर रखेंगे और जीरे को पका लेंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसे वाला जो छोंक होता है वो बहुत ही स्मोकी होता है। ये देखिए, जीरा हमारा बिल्कुल पक गया है, बिल्कुल ब्राउन कलर हो गया है जीरे का, और घी हमारा बॉयल आ रहा है घी में भी। तो अभी हमें क्या करना है, ये बन के तैयार हो गया है छोंक बिल्कुल। तो हमें इसको उठाएंगे,